आप देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज। हमीरपुर में पुलिस ने किया ट्रक लूट कांड का खुलासा। मामला पुराना कस्बे के पास पेट्रोल पंप का है, जहां दो दिन पहले दो ट्रक चालक अपने ट्रकों को सड़क किनारे लगाकर सो रहे थे। तभी बुलेरो गाड़ी सवार पांच बदमाशों ने आकर उन पर असलहे से हमला बोल दिया और उनके पास से 30,000 रुपए लूट लिए। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी से सबूत इकट्ठे करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, एसपी शिलोक कुमार ने बताया कि लूट को घटना को अंधेरे में पांच लोगों ने अंजाम दी थी, वही जो कि एक बोलेरो गाड़ी से आए थे। आरोपी पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में पैदल दौड़ते दिख रहे थे। वहीं इसी आधार पर पांचों अभियुक्तों की पहचान की गई, जिनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दो अभी फरार हैं, जिनकी पकड़ के लिए टीम लगा दी गई, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आरोपियों के पास से एक बोलेरो गाड़ी, लूटे गए 10,000 रुपए, एक अवैध तमंचा के साथ चार जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं एसपी शिलोक कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया। रात 2 बजे ड्राइवर के साथ लोगों ने लूट की थी, जिसमें एक सफ़ेद बुलेरो इस्तेमाल की गई थी। इसी घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में टीम लगाई गई थी और आज इस घटना का अनावरण करते हुए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से लूटी हुई संपत्ति, वो बुलेरो जिसका कि इस्तेमाल किया गया था घटना के बाद, कुछ अवैध असलाह बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके साथ कुछ और लोग भी थे, उनके गिरफ्तारी के लिए कोशिशें लगातार की जा रही है। उम्मीद है जल्द से जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी।